अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुमाइला हर्बलिस्ट और आपके लिए लेके आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद एक नई वीडियो। विंटर स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाता है। फ्रिजी हेयर्स हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। उसके साथ साथ हेयर्स की टूटने की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है और लट्ठों की लट्ठें जो है वो हेयर्स के निकलना शुरू हो जाती हैं। आप देख रही हैं हमारे सामने जो है वो काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। आज हम बनाएंगे हेयर बटर, हेयर स्पा इसको जो भी कह लें। ये प्योर प्रोफेशनल है, ऑर्गेनिक है और इसके अंदर हम कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करेंगे जो कि हेयर्स को डैमेज करे या कोई ऐसा केमिकल प्रिजर्वेशन के लिए ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेशन की हमें नीड नहीं होगी। सबसे पहले इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास शिया बटर, जो कि मैंने परचेज किया था 100 ग्राम्स और ये मुझे मिला था 300 रुपीज़ का। तो इसके अंदर तकरीबन जो है वो 60 ग्राम इसके अंदर मौजूद है। कैप को मैं हटा देती हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स जाते हैं जो कि आपकी हेयर्स की नरिशमेंट के लिए, रूट्स की नरिशमेंट के लिए, स्काल्प्स की नरिशमेंट के लिए काम आते हैं और उसके साथ साथ हेयर्स की रीग्रोथ भी होती है। जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा गिर गए होते हैं और वहाँ से स्किन नज़र आ रही होती है, तो एक बेहतरीन सोल्यूशन है। सबसे पहले है हमारे पास कोकोनट ऑयल, ये नया केमिकल्स से मैंने मंगवाया है और ये भी मुझे मिला है 300 रुपीज़ का 100 ml। और एवोकाडो ऑयल है, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा ओरिजिनल तो हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एवोकाडो ऑयल, और ये भी मुझे 300 रुपीज़ में जो है मिला है। बट ये सेकेंड क्वांटिटी हम क्वालिटी हम इसको कह सकते हैं एवोकाडो ऑयल की। उसके बाद हमारे पास है कैस्टर ऑयल, सॉरी जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल भी मैंने बुलिक के अंदर लिया है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो इसके होल्ड सेल रेट मैंने पता करवाए थे तो ये 4000 रुपये पर केजी है और ये मैंने 1000 का मंगवाया था, जो कि ये 250 ml की बॉटल है और 250 ml जो है ये 1000 रुपीज़ में आता है। उसके बाद हमारे पास है कैस्टर ऑयल, थोड़े से एक्सपेंसिव हेयर ऑयल, थोड़े से एक्सपेंसिव ऑयल्स में इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आपका जो हेयर स्पा या हेयर बटर बने वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वांटिटी का रेडी होना चाहिए। कैस्टर ऑयल है, आप इसके अंदर एलमंड ऑयल शामिल कर सकती हैं। मैंने जो इसका मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था तो वो मैंने एलमंड ऑयल ऐड करके बनाया था, बट स्वीट एलमंड ऑयल उसमें पड़ेगा, तल्ख बादाम का तेल नहीं पड़ेगा। अब अर्गन ऑयल जो है, अर्गन ऑयल भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसका जो होलसेल प्राइस थी वो 3200 रुपीज़ का तकरीबन, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट एक पाव शायद आ रहा था, मीन्स के 1200-1300 रुपये का इस तरीके से आ रहा था। ये एक डूब्स में है बट इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही, फ्रेगनेंस इसकी बहुत मतलब बुरी सी है, तो इसको मैंने शामिल नहीं किया। इस तरीके की अगर आप चीज़ देखें तो इसको कभी भी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हल्का सा इन्होंने जिसे कहते हैं कि एसेंस ऐड किया होता है, बाकी वही चमेली का तेल और मूंगफली का तेल होता है। सो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास शिया बटर, हम अपना हेयर स्पा या हेयर जो ट्रीटमेंट है उसको हम रेडी करते हैं। 50 ग्राम आपने ले लेना है शिया बटर। शिया बटर आपको अगर पाकिस्तान में कहीं पे अवेलेबल ना हो तो दराज पर भी मिल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में आ रहा है वो। और 50 ग्राम के साथ हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये जो एक बड़ा चावल वाला चम्मच होता है ये तकरीबन 10 ml होता है, ये हम इसके अंदर, अगर आप 25 ग्राम ले रहे हैं तो फिर 1 स्पून जाएगा, बट हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। कोकोनट ऑयल हमने ऐड कर दिया, इसके बाद हम एवोकाडो ऑयल जो है वो हम ऐड करेंगे। हेयर्स को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देने के साथ साथ हेयर की ग्रोथ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम आता है। अगर आपको अपने हेयर्स की ग्रोथ करनी है
तो फिर भी आप इसको यूज़ करिए, और जिनके केमिकल यूज़ से हेयर्स डैमेज हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, और आप बहुत सारे केराटिन ट्रीटमेंट और ये वो करवा चुके हैं, उसके बावजूद आपको तकरीबन 5-6, 8 हज़ार 10 हज़ार का जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ता है हर 2-3 वीक के बाद, तो आप इसको रीज़नेबल प्राइस में अगर करना चाहें तो ये बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। और शिया बटर जो है ये जिन क्रीम्स के अंदर इस्तेमाल होता है वो अक्सर आपने सुना होगा कि हेयर्स की ग्रोथ हो गई है फेस पे, तो हेयर शिया बटर जो है वो थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करता है। तो जोजोबा ऑयल भी हमने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। इसके बाद हम कैस्टर ऑयल शामिल करेंगे। कैस्टर ऑयल जो है वो तकरीबन मेरे पास 2 टेबलस्पून ही बचा है, ये मैंने छोटी बॉटल मंगवाई थी, तो इसको हम इसी तरीके से शामिल कर लेते हैं। अब आती है इसकी मिक्सिंग की बारी, तो मिक्सिंग हम इसको जेंटल हाथ से जो है वो करना शुरू करेंगे, और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। जब हेयर्स पे भी लगाएंगे देन भी क्रीमी टेक्सचर आएगा। रूट्स में भी इसका मसाज करेंगे अच्छे तरीके से, वो भी प्रॉपर मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हम करेंगे। हम इसको अच्छे तरीके से वन बाय वन करके स्लोली स्लोली इसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि शिया बटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे मैंने बताया इसके अंदर अभी तो हेयर रेट्स में भी कि मज़ीद हाई हो गया हूँ, मुझे इसको मंगवाए हुए मंथ से अबव हो गया है, बट इसको वीडियो बनाने में मेरा लेट हो गया, और अभी शायद इसके रेट्स हो गए हों इंक्रीज़। तो ये 2 क्वांटिटीज़ के अंदर आता है, एक जो है वो 3,000 पर केजी मिल रही है, और एक जो है वो तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये पर केजी मिल रही है। आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर लीजिए। अच्छा, जो ख़वातीन घर में बैठी हैं और चाहती हैं कि हम कुछ बिज़नेस जो है वो जनरेट करें, और हमारे पास ऐसा कुछ लंबा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, तो यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल है। इसके अंदर हम कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते जो आपके हेयर्स के लिए हार्मफुल हो, या इस तरीके से कुछ इसके अंदर एडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको अगला प्रोसेस क्या होगा। तो हमारा जो शिया बटर है या हेयर बटर है वो रेडी हो गया है। हेयर बटर, हेयर स्पा हमारा रेडी हो गया है, कुछ इस तरीके की टेक्सचर का आएगा आपके पास। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयलिंग जो है वो ज़्यादा कर दी है, क्योंकि कोकोनट ऑयल अभी विंटर का सीज़न है तो जमना शुरू हो गया था, सो हमें विंटर के सीज़न में जो है हमें चाहिए इसी माइल्ड टेक्सचर के अंदर। तो मैंने जोजोबा ऑयल और एवोकाडो ऑयल जो है वो 1-1 टेबल स्पून इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिया है। अब जस्ट लाइक अ हनी, जैसे हनी का टेक्सचर होता है इसी तरीके से इसका टेक्सचर आ गया है। अब इसके बेनिफिट्स की तरफ बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स इसके माशाल्लाह से जैसे जैसे मैं बताती गई हूँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल और एवोकाडो ऑयल के होते हैं, उसी के साथ साथ शिया बटर जो है वो हेयर्स को ग्रोथ बहुत जल्दी लेके आता है हेयर्स की, और उसके साथ साथ जितने आपके हेयर्स फ्रिजी हो के डैमेज हो रहे होते हैं या आपके हेयर्स जो हैं वो टूट रहे होते हैं किसी भी वजह से, आप बहुत ज़्यादा हेयर डाई का इस्तेमाल करें या डिफरेंट और ऐसी टेक्निक्स जो कि स्ट्रीक्स करवाना ये वो आजकल जो फैशन है, तो उस सूरत में ये हमारा जो हेयर बटर है या हेयर स्पा है ये आपको बहुत बेनिफिट देगा हेयर्स की ग्रोथ में, हेयर्स की री ग्रोथ में, उनका फ्रिजीपन ख़त्म करने में। मींस कि इसका फर्स्ट टाइम टाइम से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसको यूज़ किस तरीके से करना है, यूज़ इस तरीके से आपने करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉम कर लेना है अपने हेयर्स को, कॉम करने के बाद आपने सेक्शंस कर लेने हैं। सेक्शंस करने के बाद आपने क्या करना है कि रूट्स के अंदर इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप इसकी लेके रूट्स के अंदर अप्लाई करते चाहिए, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं उसी तरीके से। जब तमाम हेयर्स के ऊपर आप इसको तमाम सर पे आप अप्लाई कर लें, तमाम हेयर्स पे अप्लाई कर लें, उसके बाद आप इसका हल्के हाथ से जेंटली हाथ से अपने पोरों के साथ, हाथ की पोरों के साथ जो है हल्का सा मसाज कर लें।
मसाज करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए तकरीबन 3 घंटे के लिए। और अगर आपको 3 घंटे के लिए इसलिए कहा जाता है, थोड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है हेयर्स के अंदर, बिल्कुल रूट्स तक, उनके सेल्स तक ये चीज़ चली जाती है और नरिशमेंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर आपको जल्दी कहीं जाना है या नाइट में आप अप्लाई करना चाह रही हैं और उसके बाद आप चाह रही हैं कि मुझे फटाफट से रिजल्ट मिल जाए, कहीं जाना है, कोई पार्टी है, कुछ इवेंट है, कुछ भी है, हेयर्स बड़े फ्रिजी हैं, स्ट्रेट नहीं हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा कि आपने फिर हाफ एन आवर इसको अप्लाई करना होगा जस्ट। लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। आपने इसको अप्लाई किया पूरे रूट से लेके एंड तक और हल्का सा मसाज करने के बाद, 5 मिनट का मसाज करने के बाद आपने टॉवल को, या तो आपके पास अगर हीटिंग प्रोसेस है तो ठीक, नहीं तो नीम गर्म पानी के अंदर आपने टॉवल को डिप किया, उसको निचोड़ा और वही तमाम हीटिंग प्रोसेस आपने सर पे लपेट लिया उस टॉवल को, ताकि तमाम का तमाम जो भाप है, जो स्टीम है, वो आपके हेयर्स को मिलना शुरू हो जाए। उस तरीके से ये तमाम नरिशमेंट जो है वो आपके हेयर्स के सेल्स तक पहुँचेगी और बहुत जल्दी इसका जो है आप रिजल्ट इसको प्रोड्यूस कर सकती हैं। हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कीजिए या हफ्ते में 2 टाइम्स, जिनके बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं 2 टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद अपने हेयर्स पे यही चीज़ अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद जो है आप इसका रिजल्ट देखेंगी, फर्स्ट टाइम से ही बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, मज़ीद किस तरीके की वीडियोस लेके आओ मैं वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, माशाल्लाह इतना प्यार और इतनी सारी क्वेश्चनिंग आती है मेरे पास, बट ड्यू टू माई पर्सनल इशूज़ मैं जो है YouTube को नहीं यूज़ कर रही थी, बट अब मैं इंशाल्लाह दोबारा एक्टिव हो गई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग पहले वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं उनके हवाले से, हालांकि तमाम चीज़ें वो वहाँ पे मैं वीडियो के अंदर बता चुकी होती हूँ, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो है फिर मुझे रिसीव हो रहा होता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो मिलते हैं नई वीडियो में, मेरे चैनल को अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैं बिल्कुल आपको नहीं भूली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक आप लोग करते हो, कमेंटिंग करते हो, शेयर भी ज़रूर किया करो इधर उधर, ताकि तमाम लोगों का जो है वो भला हो सके। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर एलोवेरा ऑयल जो है वो शामिल कर सकती हैं, बट एलोवेरा जेल इसके अंदर शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को वो सूट करती है, कुछ को नहीं करती, तो डेंड्रफ जो है वो जनरेट हो जाएगी, फिर आप लोगों का गिला आएगा कि ये हेयर स्पा की वजह से जो है वो डेंड्रफ जनरेट हो गई है। तो ये मैं आप लोगों को पहले से बता देती हूँ कि एलोवेरा ऑयल अगर आपने बनाया है या आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको शामिल कर सकती हैं इसके अंदर, कस्टमाइज़ भी कर सकती हैं डिफरेंट। और अगर लेना चाहें इसके अंदर ऑयलिंग कोकोनट की बजाय कुछ और लेना चाहें, एवोकाडो की बजाय आप सस्ते, तो फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो हेयर ऑयल्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने थोड़े से एक्सपेंसिव बनाया है क्योंकि मुझे हेयर्स की नरिशमेंट जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी चाहिए। तो ये एक छोटा सा टिप था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको।